अस्सलाम वालेकुम, स्टोरी टेलीगेटर में खुश आमदीद। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? आज हम एक नई कहानी लेकर आपके लिए आए हैं। इस कहानी का नाम है आयशा का इम्तिहान। हाय किड्स, वेलकम टू स्टोरी टेलीगेटर। तो बच्चों, कौन कौन अपने इम्तिहान से घबराता है? जरूर सब बच्चे घबराते होंगे। चलिए आयशा की भी कहानी सुनते हैं। आयशा एक चुस्त, अक्लमंद और फरमाबरदार बच्ची थी। चाहे खेल का मैदान हो या तकरीरी मुकाबला, सब में ही अव्वल आती। वो तमाम मजामीन में बहुत अच्छी थी, मगर मालूम नहीं क्यों उसको हिसाब के मजमून से हमेशा खौफ आता था। इसी वजह से इस मजमून में वो कभी अच्छे नंबर ना हासिल कर पाती। जब चश्माही इम्तिहानात नजदीक आए तो तमाम मजामीन के साथ साथ इसने पूरी तवज्जो और यकसुई के हिसाब के पर्चे की तैयारी करके इसका इम्तिहान भी दे दिया। नतीजे वाले दिन वही हुआ जिसका आयशा को डर था। इसके नंबर हिसाब में बहुत कम आए। वो उदास घर आई और अपने कमरे में पहुंच कर उसने अपने पर्चे को देख कर सचमुच रोना शुरू कर दिया। जब भैया ने इसको रोने की आवाज सुनी तो उसके पास आए। हिसाब के पर्चे को देखते ही भैया सारा मामला समझ गए। इन्होंने आयशा को बहुत मोहब्बत से समझाया कि अभी शिशमाही इम्तिहानात हुए हैं, सालाना इम्तिहानात के लिए तुम रोज शाम को मुझसे मदद लो। रोने से मसले हल नहीं होते, बल्कि हिम्मत और मेहनत और जद्दोजहद से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। फिर वाकई भैया ने रोजाना इसको वो मजमून पढ़ाना शुरू कर दिया। आयशा ने दिल लगा कर मेहनत की तो उसको तमाम सवालात समझ में आने लगे और हिसाब का मजमून भी आसान लगने लगा। जब सालाना इम्तिहानात के नतायज मिले तो आयशा तमाम मजामीन के साथ साथ इस दफा हिसाब के मजमून में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। घर आकर उसने भैया के गले लगकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, वाकई हिम्मत, मेहनत और जदोजहद से हर काम आसान हो सकता है। बिल्कुल बच्चों, आप भी अपने इम्तिहानात से बिल्कुल मत घबराया करिए। अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ध्यान से तवज्जो से पढ़िए और इंशाल्लाह ताला आपके इम्तिहान जरूर बहुत अच्छे आएंगे। और सिर्फ हिसाब क्यों, बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स में जरूर मेहनत कीजिए ताकि सब सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर से आप लोग पास हो सकें। चले जी, इंशाल्लाह फिर अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।